गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। फॉर सम रीजन द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑलवेज फाइंड्स इटसेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ अ स्टॉर्म। देयर आर इश्यूज दैट हैव बीन बॉदरिंग द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अ फ्यू ऑफ देम ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट आर चेक पोस्ट एंड राइजिंग कॉस्ट। हाउएवर द रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज फॉर्चुनेट टू हैव एसोसिएशंस हु कीप टेकिंग अप इश्यूज कॉन्स्टेंटली विद द गवर्नमेंट एंड अदर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स। टू सच पीपल who have been constantly taking up industry issues with the authorities are G.R. Shanmugappa and Malkit Singh Bal. Both of them have been former presidents of All India Motor Transport Congress. And even after their tenure as presidents, they are continuing their efforts for the industry. Trans India caught up with G.R. Shanmugappa and Malkit Singh together in Mumbai and got their thoughts on issues related to the industry. This is what these industry stalwarts had to say in an exclusive interaction with Trans India. Border check post ek major problem hai, usme kam se kam trucker ko loot rahe ho, late hota hai, isme bahut bada problem hai. Iske liye border check post, entire country border check post dur karna padega. Point number 1. पॉइंट नंबर 2, सरकार का टैक्स स्ट्रक्चर बदलाव करना पड़ेगा. ये डीजल एंटायर कंट्री डीजल एक्यूरेट कर दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा. बाद में बार बार इंक्रीज करने का, बार बार कम करने का ये काम नहीं रहना. आश्वासन देना गवर्नमेंट एक साल के लिए, जब तक हम लोग नहीं बढ़ता करके लिख के देना. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, हमारा कॉम्पिटिशन कम करना पड़ेगा. ये अभी ट्रकर्स कॉम्पिटिशन में बहुत बड़ा फंस गया, इसके लिए फिक्सर रेट फिक्स करना करके बहुत दिन से हम लोग पूछ रहा है. वो हो गया तो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा. बाद में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए अशोक लैंड ओढ़ो टाटा ओढ़ो अटर फेल है. पोल्यूशन आना करके, पोल्यूशन ज़्यादा आता करके हम लोग को एड ब्लू ऐड किया. इसमें ऐड करने के बाद बहुत मेजर खर्चा लग गया हमारा को. पोल्यूशन आना रहे तो डीजल का व्हीकल को एड बोलो एड कर दिया तो पोल्यूशन नहीं आता करके, ये सिस्टम ठीक नहीं है. वो टेक्नोलॉजी ज्यादा करना पड़ेगा. प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन होती रहती है और हम सोल्यूशन की बात करें, जैसे कि चेयरमैन जी आर शनमुगप्पा जी ने बताया कि ओबुलेशन ऑफ द चेक पोस्ट, हमारी जो मुहिम है वो कौन से पड़ाव में है. हम 9 महीने में मध्य प्रदेश में सफल हुए, सरकार से लिखित रूप में हमने लिया और 8 अक्टूबर तक उसका नोटिफिकेशन भी हमारे हाथ में आ जाएगा. यानी 14 दिसंबर 2023 को जो भी चेक पोस्ट है और उसके पहले भी जो बाकी के चेक पोस्ट हैं, 23 चेक पोस्ट और जो 14 चेक पोस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके, वो 14 दिसंबर तक विद नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर तक हमें कॉपी मिल जाएगी. मैं फिर महाराष्ट्र की बात करता हूँ. इसका प्रयास आज का नहीं है, पिछले 2 वर्ष से हम कर रहे हैं. आज देखना कि आज हम कहां पर पहुंचे हैं. कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, रिपोर्ट सरकार के पास चली गई है, सरकार के पास चर्चा भी हो गई है. अभी हमने रिसेंटली जो कि हमने 214 मैनेजिंग कमेटी में रिजॉल्व किया था कि हम और रुक नहीं सकते, वी हैव टू गिव द अल्टीमेटम टू द स्टेट्स गवर्नमेंट. सो वी हैव गिवन द अल्टीमेटम टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट 2 अक्टूबर तक अगर आपने कोई सकारात्मक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो हम उसके बारे में अमरजेंट मीटिंग बुलाएंगे और हो सकता है कि माल ढुलाई पूरी बंद हो. इसके बारे में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का एक मैसेज आया है कि वी हैव मूव द फाइल फॉर ए मीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल. सो हमें उम्मीद है कि इसमें हमें भी सफलता मिलेगी. दिस इज इन महाराष्ट्र. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैव स्टेटेड दैट आई हैव मूव द फाइल फॉर ए मीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल, दैट इज विद द सीएम. सो उम्मीद है कि मीटिंग थोड़े दिनों में होगी और पॉजिटिव कोई ना कोई रेजोल्यूशन होएगा. इन प्रिंसिपल जो हमारे से जो बात करते हैं वो कहते हैं कि वी हैव रिकमेंडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ द चेक पोस्ट. मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ. छत्तीसगढ़ में जैसे मैंने मीटिंग में भी कहा था कि जो वहाँ के प्रभारी हैं, महासचिव हैं, सरकार का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उनको दिया हुआ है. मलकीत सिंह गेडू जो मेरे साथ में मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी थे, वो भी प्रयास कर रहे हैं और हमने कई डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं. यही भूपेश पटेल की जब भी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा कि सरकार आने के पहले
चुनावी इनका नारा था कि हम चेक पोस्ट कोई भी हालत में शुरू नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। आज मैं उसकी कॉपी लेके नहीं आया, लेकिन हमने कॉपी ले ली है। हमने कई जो इनके सीनियर लीडर हैं, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी की कई स्टेटमेंट है कि भ्रष्टाचार सड़कों पर बंद होना चाहिए, तो वी विल एम्पथाइज देम कि आपने कहा था कि चेक पोस्ट बंद होने चाहिए, आपकी हाईकमांड कहती है, और इससे आपको आने वाले चुनावों में क्या नुकसान होगा। वहाँ पर भी हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी हमें सफलता मिलेगी। जहाँ तक साउथ स्टेट्स की बात है, वहाँ पर भी हमारे प्रयास स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, बिकॉज एक साथ में हम नहीं कर सकते। एक सफलता मिली, हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। एक दूसरी सफलता महाराष्ट्र की, तीसरी छत्तीसगढ़ की, फिर सदर्न स्टेट्स को हम टारगेट करेंगे, फिर हम जाएंगे वेस्ट बंगाल की तरफ और देखेंगे क्या जो ये कार्यकाल है, जो एक सुनहरा मौका मिला है, इसमें हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट एबोलिशन ऑफ द चेक पोस्ट ऑल ओवर द कंट्री। यू हैव अ सिस्टमैटिक प्लान। सी, वी मूव विद द प्लान। द प्लान वॉज रेडी ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी मेट यू एट सिंधवा। यू हैव टेकन माई सेल्फ एंड अमृतलाल मदान the interview on that day during his felicitation at when we have come from the Sindhwa. So plan is in well placed. We are moving in a very systematic way to achieve our goal. And aaj tak main bol raha hu ki hamara plan pura successful hai aur hum bade systematic way mein. Aaj koi bhi nahi keh sakta ki hame aapne mauka nahi diya. We have given enough time. Now the hatoda garam hai. चुनाव आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में भी 2024 में चुनाव है, डबल इंजन की सरकार है। हम उनको यही एम्पथाइज कर रहे हैं कि जो आपकी केंद्र की सरकार कह रही है उसको आप अमल में लाइए, एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि वी विल एबल टू कन्विंस दैम विद द डॉक्यूमेंट्स, विद द रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर विल नो प्रॉब्लम। ये जीएसटी सिस्टम ठीक नहीं था बिगिनिंग में। हम लोग बल साहब सब आदमी मिलके मदान साहब गुजरात मीटिंग में थे, बताया था ये अभी बड़ा बड़ा ट्रांसपोर्टर 100 गाड़ी ले रहा है, इनपुट ले रहा है, हमारा ट्रकर क्या करेगा? 40 लाख का ट्रक उसको 30 लाख में मिलता है, 10 लाख इनपुट लेके वो मजा करता है। सिंगल ऑपरेटर का परिस क्या होएगा? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक एक बल साहब कैसा बोला, एक एक अभी सिंधुआ बॉर्डर एमपी कंप्लीट हो गया, महाराष्ट्र 100% होएगा ये नवंबर के अंदर, आगे तमिलनाडु आंध्र कर्नाटक पांडिचेरी तेलंगाना 101% एक ही दिन में वो हटाने के लिए हम कोशिश करता है। बहुत बड़ा छक्का जाम करेगा, सिमटा छोड़ेगा नहीं, किसी चीज में छोड़ने वाला नहीं है। हम लोग रुकता है ओनली महाराष्ट्र के लिए देख रहा है, महाराष्ट्र होने के बाद तुरंत हमारा स्टेट, हम लोग ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस थ्रू मिलके ये काम 101% करेगा। बाद में ये छोटा ट्रकर्स को बार बार कॉम्पिटिशन में रेर थोड़ा ट्रांसपोर्टर उसका गाड़ी बेचने को टाइम में कम से कम अभी यहाँ से लोड रहने के टाइम में बेचता है, रिटर्न आने को टाइम में कम रेट में वो लोग आ जाता है, इसलिए बहुत बड़ा फंसाता है। बाद में ये रेट सरकार फिक्स करना पड़ेगा किसी चीज़ में भी, ऑटो रिक्शा को फिक्स किया, बस को फिक्स किया, ट्रेन को फिक्स किया, सबको फिक्स किया, हमको क्यों नहीं है? बाद में हाइएस्ट ओवरलोड जा रहा है ट्रेन में, हमारा माइंस सेक्टर है, एक दिन का 40,000 टन से 1,00,000 टन तक जा रहा है, वो मेजर ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में जाने को टाइम हाइएस्ट ओवरलोड जा रहा है, उसको रुकने वाला कौन नहीं है। बाद में ट्रकर इसमें बहुत बड़ा परेशान है माइंस सेक्टर में। हम सरकार के पास बात किया, चिट्ठी भी लिखा, आज तक डिसीजन क्या भी नहीं लिया, आगे इसको हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। ऑल इंडिया कभी भी कैसा भी मदान जी आने के बाद बहुत स्ट्रांगली हम लोग आगे जा रहा है, इसके लिए फर्स्ट चेक पोस्ट दूर करना, नेक्स्ट तुरंत नेक्स्ट जनवरी से हम लोग टोल का हाथ में लेना पड़ेगा, वन टाइम टोल के लिए कोशिश करना पड़ेगा, इसमें जिंदगी नींद होने वाला नहीं है। रात दिन हम लोग काम करके इसको आगे कैसा निपटाना करके ट्रक्कर को कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करना वो कोशिश करता है हम लोग। देखिए, आपको याद होगा कि जब अमृतलाल मजांदी अध्यक्ष बने हमारा 3 एजेंडा पॉइंट था। पहले के ऊपर आपने डिस्कशन की एबोल्यूशन ऑफ द चेक पोस्ट, हमारा था फिक्सेशन ऑफ द फ्रेट रेट, कॉस्ट बेस्ड फ्रेट स्ट्रक्चर यानी लागत में भाड़ा। लेकिन जो हमें उम्मीद थी, जिस तरह हमें आगे प्रयास हमने किए हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपने पहली मीटिंग जो मुंबई में हुई थी, कन्वेंशन हुई थी, वहाँ पर भी हमने लिखित रूप में लोगों को एक पर्चा दिया था कि आपका ये लागत है, इसके ऊपर आपको भाड़ा चाहिए। बेंगलोर में मीटिंग हुई, उसके ऊपर भी हमने एम्पथाइज किया कि आप सर्कुलेट करें। अभी दिल्ली में भी मीटिंग हुई तो उसके ऊपर विस्तार में चर्चा नहीं हो सकी। लेकिन जब तक हम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस, तालुका एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन, एक अवेयरनेस कैंपेनिंग, घर घर जा के मुहिम नहीं चलाएंगे जिस तरह की राजनीतिक पार्टियां चलाती हैं, हमें उनको समझाना पड़ेगा ये आपकी लागत है, इसके ऊपर आपने भाड़ा लेना है। और दूसरी बात, अगर सर्वाइवल है, हम दिस इज़ द आई फील ओनली सोल्यूशन टू एजुकेट अवर मेम्बर ट्रकर्स कि कॉस्ट बेस्ड फ्रेट स्ट्रक्चर लीजिए और लागत पे भाड़ा लीजिए अगर आपका सर्वाइवल है। वी विल कंटिन्यू आवर इंटरेक्शन विद जी आर षणमुगप्पा एंड मलकीत सिंह आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। यू आर वॉचिंग ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है और इस घर का ख्याल रखना एक प्रिंसिपल के लिए आसान नहीं। पढ़ाई के साथ बच्चों का आराम, उनकी सेफ्टी, छोटी से छोटी चीज मेरी प्रायोरिटी है। वैसे ही स्कूल बस चुनना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट का भरोसा और बजट साथ लिए चलना पड़ता है, इसीलिए कभी कभी फर्म भी बनना पड़ता है। आखिर कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है तो कोई बजट की। लेकिन इतने सालों में एक चीज समझ आई है, अगर सही डिसीजन लें तो सबसे ज्यादा प्यार भी प्रिंसिपल को ही मिलता है। चुनिए महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बसेस। यह है मजबूत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटी लॉक ब्रेकिंग, एंटी रोल बार, पैराबोलिक सस्पेंशन, आईमैक्स, वाइडर सीट्स और बेस्ट इन क्लास माइलेज के साथ बच्चों के लिए सेफ और बाकी सब के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस, महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बस। वेलकम बैक टू ट्रांस इंडिया, रियल पीपल रियल इमोशंस। वी आर इन कन्वर्सेशन विद फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ AIMTC, जी आर षणमुगप्पा एंड मलकीत सिंह बल। देखिए, आपको याद होगा कि जब अमृतलाल मजांदी अध्यक्ष बने, हमारा 3 एजेंडा पॉइंट था। पहले के ऊपर आपने डिस्कशन की, एबोलिशन ऑफ द चेक पोस्ट, हमारा था फिक्सेशन ऑफ द फ्रेट रेट, कॉस्ट बेस्ड फ्रेट स्ट्रक्चर यानी लागत में भाड़ा। लेकिन जो हमें उम्मीद थी, जिस तरह हमें आगे प्रयास हमने किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपने पहली मीटिंग जो मुंबई में हुई थी, कन्वेंशन हुई थी, वहाँ पर भी हमने लिखित रूप में लोगों को एक पर्चा दिया था कि आपका ये लागत है, इसके ऊपर आपको भाड़ा चाहिए। बेंगलोर में मीटिंग हुई, उसके ऊपर भी हमने एम्पथाइज किया कि आप सर्कुलेट करें। अभी दिल्ली में भी मीटिंग हुई तो उसके ऊपर विस्तार में चर्चा नहीं हो सकी। लेकिन जब तक हम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस, तालुका एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन, एक अवेयरनेस कैंपेनिंग, घर घर जा के मुहिम नहीं चलाएंगे जिस तरह की राजनीतिक पार्टियां चलाती हैं, हमें उनको समझाना पड़ेगा ये आपकी लागत है, इसके ऊपर आपने भाड़ा लेना है। और दूसरी बात, अगर सर्वाइवल है, हम दिस इज़ द आई फील ओनली सोल्यूशन टू एजुकेट अवर मेम्बर ट्रकर्स कि कॉस्ट बेस्ड फ्रेट स्ट्रक्चर लीजिए और लागत पे भाड़ा लीजिए अगर आपका सर्वाइवल है। सेक्शन 67(1) फिक्सेशन ऑफ द फ्रेट, ये हमारी महाराष्ट्र में आपको बताते हुए खुशी है कि कमेटी बन गई है। अभी परसों ही हमें लेटर आया है कि चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसके ऊपर अच्छे, मतलब क्या, जो ब्रेन्स रहेंगी, इंडस्ट्री रहेगी, IIT के अधिकारी रहेंगे, एक स्टडी रिपोर्ट बनेगी और एक शुरुआत होगी। तो मेरी कहने का यही मतलब है कि जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, हमारा सर्वाइवल दिन ब दिन डिफ़िकल्ट होता जाएगा। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार के पास हमारी मॉरल जिम्मेदारी है। कोई भी इशू आता है, मॉरल लोगों ने हमें चुना है, बिठाया है, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं,
तो वी हैव टू रिप्रेजेंट देम टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, मे बी द स्टेट गवर्नमेंट, मे बी द डीजीपी, मे बी द एडीजीपी, मे बी द कमिश्नर ऑफ पुलिस. दैट इज अवर ड्यूटी विच वी आर डूइंग एंड इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशूज एंड वी आर गेटिंग ए गुड रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट्स ऑल्सो. बाद में टोल के ऊपर बहुत दबाव में बोल चुका है आपको, टोल का एक सिस्टम लेना चाहिए. सीएजी रिपोर्ट आया 132 करोड़ गलत किया करके, स्टेक होल्डर को पैसा ले लिया करके, ऑलरेडी टोल वाला पैसा एक्सेस ले लिया हमारा पास. ये हमने ही बोला, सीएजी रिपोर्ट है. 1,70,00,000 व्हीकल पास किया परनूर चेक पोस्ट में चेन्नई में, उसमें 62% व्हीकल बाद में 38% व्हीकल वीआईपी व्हीकल गया करके बोल रहा है. मेजर एंटायर कंट्री में ये प्रॉब्लम चल रहा है. तुरंत सरकार उसके ऊपर एक बड़ा इंक्वायरी करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा. 40% हमारा रोड कहाँ कंप्लीट हो गया, टोल कंप्लीट हो गया. टोल कंप्लीट होने के बाद, रोड कंप्लीट होने के बाद 10-15 साल ये लोग कलेक्ट कर दिया, कंसेशन का अमाउंट फाइनल हो गया, फिर भी लोग टोल कंटिन्यू क्यों करता है करके हम समझ में नहीं आता है. वो भी हम गुजरात में केस पड़ा है, केस लगाया उसके ऊपर, वो देख लेगा. देखिए, अगर आप उसको डिटेल में अगर एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो माइनिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, बल्कर्स हो गए, डंपर्स हो गए, इसमें जो है सेल बढ़ी हुई है. और एक सिस्टम्स है हमारे कि हमारे को एक समय में आके अपनी गाड़ी को रिप्लेस करना पड़ता है, वो सिस्टम तो चलता ही रहेगा. आज मेरे को है कि मेरे को 8 बरस के बाद मेरी कंपनी गाड़ी नहीं लेती है, बॉम्बे में मेरी गाड़ियां 8 साल पुरानी हो गई हैं, तो मेरे को इट इज़ माई कंपल्शन, मजबूरी है कि मेरे को 8 बरस बाद में उतनी 10-15-20 जो बॉम्बे में आ रही हैं वो गाड़ियों को रिप्लेस करना है. कई कॉरपोरेट्स हैं, कई कॉरपोरेशन हैं जो बोलते हैं कि 8 बरस के बाद हम गाड़ी आपकी नहीं लेंगे, तो उसकी भी हम रिप्लेसमेंट आ रही है. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने पहले कहा कि इट इज़ अ डेवलपिंग नेशन, और जब भी डेवलपिंग नेशन होगा तो ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी. और जहाँ तक कुछ लोग जीएसटी के माध्यम से, सर्वाइवल के माध्यम से भी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं. बाद में बात ही बात ये क्यों व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बल सब बताए ना ऐसा ही. एक सेक्टर में कहा हम भी, एक स्टेट में कम से कम 1 महीना का 2,00,000 टन ज़्यादा हो गया, वो 101% व्हीकल होना पड़ेगा. कम से कम हाईएस्ट साउथ में हाईएस्ट व्हीकल 9,000 व्हीकल लिया दिस ईयर, कभी भी इतना व्हीकल नहीं लिया. 9,000 व्हीकल मतलब सब 16 चक्का गाड़ी लिया. ऐसा 36,000 व्हीकल लेना था, वही जगह में 9,000 व्हीकल में 36,000 व्हीकल लोड 9,000 व्हीकल में जाने का हो गया, अभी बंदोबस्त हो गया. पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फैसिलिटी बन रहा है, बाद में आदमी लोग का नेसेसिटी यूजर ज्यादा हो गया. रूरल साइड में अभी तक कॉन्क्रीट गिंक्रीट नहीं था, अभी कॉन्क्रीट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके जा रहा है, व्हीकल ज्यादा हो रहा है. ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेजर डेवलपमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग मेजर डेवलपमेंट हो गया. सीमेंट फुर्सत नहीं है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ऐसा बढ़ गया. बाद में इम्पोर्ट मेजर कोल इम्पोर्ट, इसके पीछे यही कोल बहुत ज़्यादा था, अभी कोल इम्पोर्ट ज़्यादा कर दिया. बाद में अभी स्क्रैपिंग भी ज़्यादा कर दिया, अभी पिग आयरन, इसके पीछे यही माइंस में मैन्युफैक्चरिंग करके पिग आयरन बनाता था, अभी इम्पोर्ट भी लगा दिया. मेजर इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया एक साइड में. बाद में एग्रीकल्चर डिफरेंस ऑफ स्टेट में, डिफरेंस ऑफ रेनिंग में प्रोडक्शन ज़्यादा लग गया. अभी कम से कम हमारा प्रोडक्शन कर्नाटक में मेजर, लास्ट ईयर प्रोडक्शन मेजर है, 160% रेनफॉल है. दिस टाइम अभी 80% हो गया, पिछले साल 160% था, अभी 90-95% रेनफॉल है. इसकी वो भी एक कारण है, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होके उसको डिस्पैच करने के लिए. टेक्नोलॉजी जाने होने के बाद उसमें कंस्ट्रक्शन भी मेजर हो गया. सरकार कम से कम 5,00,000 करोड़ के ऊपर ये हाउसिंग में लगाया, मगर इतना ट्रांसपोर्टिंग करना करके आप थिंक कर दीजिए. गवर्नमेंट फ्री हाउसेस बना के दे रहा है ना, फ्री टॉयलेट, फ्री हाउस, ये सब कर रहा है ना. इसके लिए आदमी लोग को फैसिलिटी चाहिए, मिडिल मैन सब अभी घर लेने का शुरू कर दिया. वी विल कंटिन्यू आवर इंटरेक्शन विद जी आर षणमुगप्पा एंड मलकीत सिंह.
after this very short break. You are watching Trans India, Real People, Real Emotions. स्कूल बच्चों का दूसरा घर होता है और इस घर का ख्याल रखना एक प्रिंसिपल के लिए आसान नहीं। पढ़ाई के साथ बच्चों का आराम, उनकी सेफ्टी, छोटी से छोटी चीज मेरी प्रायोरिटी है। वैसे ही स्कूल बस चुनना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। पेरेंट्स का पीस ऑफ माइंड, मैनेजमेंट का भरोसा और बजट साथ लिए चलना पड़ता है, इसीलिए कभी कभी फर्म भी बनना पड़ता है। आखिर कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है तो कोई बजट की। लेकिन इतने सालों में एक चीज समझ आई है, अगर सही डिसीजन लें तो सबसे ज्यादा प्यार भी प्रिंसिपल को ही मिलता है। चुनिए महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बसेस। यह है मजबूत ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एंटी लॉक ब्रेकिंग, एंटी रोल बार, पैराबोलिक सस्पेंशन, आईमैक्स, वाइडर सीट्स और बेस्ट इन क्लास माइलेज के साथ बच्चों के लिए सेफ और बाकी सब के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस महिंद्रा क्रूजियर स्कूल बस। Welcome back to Trans India, Real People, Real Emotions. We are in conversation with former presidents of AIMTC, G.R. Shanmugappa and Malkit Singh Bal. So it is very premature to stay. अभी तो कोई policy defined भी नहीं है, कोई clear भी नहीं है, और ये mandatory है. If there is a policy, let's assume आज से 3-4 साल या 5 साल बाद एक मैंडेट हो जाता है कि 15 साल के ऊपर की ट्रक has to be scrapped, there is no option. What, how does it impact the industry? It is very difficult decision for the government to take. आज कोई भी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है अपने वोट बैंक को ध्यान में करके लेती है। आज मेरे को ऐसे ट्रांसपोर्टर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि 15 बरस के बाद में गाड़ी चलाता ही नहीं है। मैं बात करता हूँ स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में अपनी गाड़ियां चलाते हैं, अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। सरकार ने निर्णय पहले लेना था, उसको कंटिन्यूसली 2019 में डिफर करना पड़ा इलेक्शन को बीच में रखकर। ऑलमोस्ट द फाइल वाज ऑलमोस्ट साइंड बट पीएमओ ऑफिस रिजेक्टेड द फाइल इन व्यू ऑफ द इलेक्शंस। सो बहुत बड़ा वोट बैंक है जो इस उद्योग के साथ में जुड़ा हुआ है, तो सरकार उनको नाराज करने के पहले बहुत कुछ उसको सोचना पड़ेगा। तो वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को बहुत तकलीफ होगी। एक तरह सरकार कहती है कि आप एंटरप्रेनर बनो, वो जो गाड़ियाँ चल रही हैं दे आर द सेल्फ एंटरप्रेनर, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, अपना घर भी चला रहे हैं, अपने बच्चे भी पाल रहे हैं। अगर सरकार उनका रोजगार बंद करके, उनकी दुकान बंद करके कोई दूसरी नीयत से या नीति से इसको लाती है तो इसको सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और इसका हो सकता है क्या नुकसान भी हो उनको। टैपिंग पॉलिसी 15 साल का भी एक ही बड़ा आज लेटेस्ट लिया, इसके भी एक ही बड़ा मिलता है। ऑलरेडी न्यू व्हीकल के लिए हम लोग किस्ती बनना पड़ेगा, 10 साल 15-12 साल होने के बाद उसको किस्ती नहीं है। ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है मार्केट में। सरकार क्या डिसीजन किया, वो कभी भी स्क्रैपिंग पॉलिसी वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। ऐसा किया तो सरकार का कर रहा है, गवर्नमेंट का बस, गवर्नमेंट का ट्रैक्टर, गवर्नमेंट का जीप सब करता कर बोला, बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाएगा। 4 लाख करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सरकार। हम तो रेडी रहता है, हमको क्या है पुराना व्हीकल की है 40% हमको डिस्काउंट दे दीजिए, न्यू व्हीकल में 40% हमको डिस्काउंट दे दीजिए, हम लोग लेने के तैयार है। स्क्रैपिंग पॉलिसी हमारा ओन कहता तो कर सकता है, नहीं रहे तो नहीं कर सकता, ऐसा है। सरकार क्या भी अभी हमको सरकार करना पड़ेगा करके क्या भी ऑर्डर नहीं दिया, आज तक नहीं ऑर्डर दिया। असल साइलेंट है, मगर एक बात बोलता है, आज एंटायर कंट्री में हमें बल साहब सब फिर रहा है। बाड़ा चेक पोस्ट कंप्लीट होने के बाद एक बहुत बड़ा छक्का जाम होएगा, पूरा देश नहीं देखा आज तक,
दिसंबर तक सरकार को देना पड़ेगा टाइम, नवंबर 30th तक टाइम देगा, दिसंबर में 101% कंप्लीट एंटायर कंट्री ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस थ्रू डिस्कशन करके मीटिंग में ये चक्का जाम 100% होएगा। मुझे याद है कि 2010 में भी आपने मेरे को यही सवाल पूछा था, तो आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का व्यापार का सवाल है, इसका भविष्य उज्जवल है। जब तक सूरज चांद रहेगा ये व्यापार रहेगा, और ये देश हमारा डेवलपिंग नेशन है, वी आर नॉट द डेवलप्ड नेशन। यहाँ पर बहुत स्कोप है, इतनी डेवलपमेंट होनी है, इतनी इंडस्ट्री आनी है, इतनी प्रोडक्शन होनी है, और मेजर जो बेनिफिट हमारा है 130 करोड़ 135 करोड़ पॉपुलेशन, एक अगर सुई भी बनती है तो 130 करोड़ लोगों में जाती है, वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जानी है। आई फील दैट कुछ चेंजेस हमारे अपने आप में लाने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि जो बड़े ट्रांसपोर्टर थे जिन्होंने GST के लाभ में ला के 2-3 बरस में उद्योग को नुकसान किया और अपना भी नुकसान किया, आज दे आर हेडिंग फॉर ए डिफॉल्ट, दे आर नॉट एबल टू प्लाई देयर व्हीकल, उनकी व्हीकल सीज हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं करेक्शन आ चुकी है, और करेक्शन आने के बाद में आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और ये ट्रांसपोर्ट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल था, उज्ज्वल है और उज्ज्वल रहेगा। सरकार उसका एटीट्यूड बदलाव नहीं करना पड़ेगा। 22% अभी खर्चा आता है टोल के ऊपर हमारा ट्रकर को, इसके लिए इक्वली देखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर ट्रकर इक्वली देना पड़ेगा। मगर एक याद रखना, बड़ा ट्रांसपोर्ट कितना भी करना दो, मगर सिंगल ऑपरेटर एक दिन सक्सेस होगा, सक्सेस होएगा। सरकार को भी बेनिफिट मिलना रहे तो सिंगल ऑपरेटर को क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, 5 साल से बढ़ेगा, अभी क्या हो गया इसके पीछे व्हीकल पॉपुलेशन कम हो गया ये 3 साल में। क्यों? 10 चक्का गाड़ी का अभी 10 टन जाने का जगह में, पर्टिकुलरली और साउथ में 40 टन जाता है। क्यों? 40 टन का परमिशन मिल गया, 40 टन ट्रक ऑलरेडी लैंड में टाटा में आ गया, वो यूज़ करने के लिए का आगे 40-50 टन तक लोड अवेलेबिलिटी दे दिया। 1000 गाड़ी रहने का जगह में 250 गाड़ी लग गया। बाद में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। बाद में बार बार मंत्री जी बोल रहा है गैस करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ये तो ये रेगुलरली बोल रहा है, इसके कुछ ना कुछ इसको बदलाव नहीं करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 परमिट, बाद में एंटायर चेक पोस्ट ये हटा दिया तो 5% हमको थोड़ा बेनिफिट होने का चांसेस है। अभी 300-260 किलोमीटर जा रहा है पर डे, यहाँ फॉरन में आपको मालूम है 750-800 जा रहा है, अभी 300-400 बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। ये 5 साल में हमारा ट्रकर को परेशान सरकार से आएगा, हमारा से सरकार को कुछ भी परेशान नहीं आएगा, ये सरकार देखना पड़ेगा बाद में। ये तो यूनिटी मेजर काम कर रहा है, एंटायर कंट्री डिसाइड करेगा पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। ये दो पक्ष भी याद रखना पड़ेगा, कोई भी पक्ष वाला याद रखना पड़ेगा, हम लोग बुद्धराम नहीं है, आगे उसको लेसन टीच करेगा, 101% करेगा। अभी नवंबर के अंदर महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट नहीं हटाया तो बहुत बड़ा चक्का जाम लगेगा, कोई भी साउथ व्हीकल महाराष्ट्र के अंदर नहीं घुसेगा। ऐसा ही नवंबर होने के बाद दिसंबर जनवरी में उसको दिसंबर तक मीटिंग करके टाइम देता है, एंटायर साउथ बॉर्डर चेक पोस्ट निकालना पड़ेगा। बाद में फिक्सेशन ऑफ रेट में नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग बहुत सीरियसली इसमें ऐड करना। कैसा बल साहब बोला अभी महाराष्ट्र फिक्सर रेट करें, उसको दिक्कत क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसके वो देख के हम लोग आगे जाने के लिए कोशिश करता है। दैट वाज आवर इंटरेक्शन विद GR शनमुगप्पा एंड मलकीत सिंह बल, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद एन इंटरेक्शन विद अ वेटरन इन द कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू नेक्स्ट संडे विद अनदर इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन। Until next week, stay safe, drive safe. Jai Hind.